नमस्ते नमस्कार एंड वेलकम टू द साधना की रसोई। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ केला, गुड़ और गेहूँ के आटे से बनने वाली गुलगुले की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। गुलगुले बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया है और साथ ही मैंने यहाँ लिए हैं दो केले। इन दोनों केलों को बाउल में रखकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। दूसरे केले को भी इसी तरह से मिक्स कर लेना है। दूसरे केले को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें अभी भी लंप्स हैं, तो इसे लंप्स फ्री करने के लिए मैं इसे वायर विक्स की सहायता से मिक्स कर लेती हूँ। केला बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब मैंने यहाँ लिया है एक दूसरा बाउल। इस बाउल में मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच गुड़, 4 चम्मच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे पानी के साथ मिक्स करना है। चार चम्मच गुड़ में लगभग 1 से 1.5 कप पानी डाल करके इसे पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। गुड़ पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब मैं मैश किए हुए केले को ले ले रही हूँ, इसे फिर से हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा गेहूँ का आटा डाल करके इसे मिक्स करना है। आटा डालने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ वाला पानी डाल करके इसे मिक्स करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ध्यान रहे बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो गुलगुले टूट जाएंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गुलगुले बनाने के लिए बैटर तैयार हो चुका है, अब मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। अब मैं गुलगुले को फ्राई करूंगी। इसके लिए मैंने एक पैन में तेल गर्म कर ली है। छोटे छोटे गुलगुले के बॉल्स धीरे धीरे तेल में डालते जाएं।
गुलगुले को लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इसे फ्राई होने में लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। गुलगुले एक साइड से अच्छी तरह से फ्राइड हो चुकी है। अब मैं इन सब को एक चम्मच की सहायता से पलट लेती हूँ। पलटने के बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गुलगुले अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। गुलगुले बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि ये गुलगुले कितने सॉफ्ट और फुले फुले बने हैं।